हम बात करें बेंट रूल की, दो पॉइंट में हम बेंट रूल को करेंगे। फर्स्ट बेंट रूल, देखिए इसका मेन एप्लीकेशन कहाँ यूज हुआ, sp3 डीहाइब्रिडाइजेशन में, बाकी जगह हमें जरूरत ही नहीं थी क्योंकि इससे पहले जितने भी थे sp sp2 sp3 वो क्या है, सिमेट्रिकल शेप थे। तो इसका यूज हुआ यूज इन sp3 डीहाइब्रिडाइजेशंस। कैसा होता है sp3 डीहाइब्रिडाइजेशंस, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बस ट्राइगोनल बाय पिरामिडल पहला पॉइंट। कैसे, क्या कहता है डेफिनेशन क्या है, द पोजिशंस ऑफ लोन पेयर, द पोजिशंस ऑफ लोन पेयर, जो भी पोजिशन ऑफ लोन पेयर है इज प्रेजेंट ऑन इक्विटोरियल पोजिशन, इक्विटोरियल पोजिशंस, यानी जितने भी लोन पेयर आए हैं वो कहां रखने, इक्विटोरियल, बिकॉज बॉन्ड एंगल हाई स्टेयरिंग हिंड्रेंस लेस, बिकॉज बॉन्ड एंगल हाई एंड स्टेरिक हिंड्रेंस लेस। तो अगर आपके पास एक लोन पेयर आए इक्विटोरियल पे, दो आए फिर इक्विटोरियल पे, तीन आए फिर इक्विटोरियल पे, तो यहां आपके पास जैसे जैसे लोन पेयर आते जाएंगे, फर्स्ट केस आप एक लोन पेयर लगा दीजिए, सेकंड केस एक और लोन पेयर लगा दीजिए, कैसे होगा, एक और लोन पेयर लगते ही और थर्ड केस एक और लोन पेयर आ गया आपके पास, क्योंकि यहां बॉन्ड एंगल कम रहेगा। तो कुल मिला के ये आपको क्या दिखेगा, सीसो, ये क्या दिखेगा आपको, टी शेप, और यहां क्या दिखाई देगा आपको, लीनियर। ये बात आपको बैंड रूल से पता चलती है कि लोन पेयर वहां लगाओ जहां बॉन्ड एंगल ज्यादा है, और बॉन्ड एंगल जहां ज्यादा है वहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी। तो ये आपके पास काम चल गया बैंड रूल से, बोलो यस और नो। दूसरा पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पता चल गया, बाकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही थी कहीं और, क्योंकि बाकी की सारी स्ट्रक्चर क्या है, सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट सेकेंड हमारे पास थर्ड पॉइंट है, एक और पॉइंट हमें इसमें इन्वॉल्व करना है कि इन केस ऑफ sp3d हाइब्रिडाइजेशन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव साइट, कैसे है पहले लिख लो फिर समझाता हूं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट इन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव साइट, ये भी कहां यूज करेंगे हम, sp3 डीहाइब्रिडाइजेशन में। देखिए sp3 डीहाइब्रिडाइजेशन ही एक ऐसी है जो कंप्लीटली सिमेट्रिकल शेप नहीं रखता, इसीलिए इनकी जरूरत पड़ रही है हमें। देखिए आपको मालूम है ये किसके हाइब्रिडाइजेशन से मिलके बना था, डी एंड पी, जबकि ये किससे मिले थे, एस प्लस 2p। तो कुल मिला के यहां पर डी कैरेक्टर ज्यादा है, एस कैरेक्टर जीरो है, एस कैरेक्टर कम है, तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, कम होगी। तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि ये जब भी आप इस तरह को देखते हो तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव साइट मोर इलेक्ट्रो, ये उसके कंपेयर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइट ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू मोर एस करेक्टर, मोर एस करेक्टर लिखो इसको। तो जब ये मोर एस करेक्टर है तो अब यहां पर क्या केस बन सकते हैं,
बन सकते हैं। अगर आपके पास, मैं ले रहा हूं पी, देखिए पी सी एल फोर एफ, पहले तो पांचों क्लोरीन हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन एक भी फ्लोरीन आया पी सी एल थ्री एफ, एक और क्लोरीन आ गया, ए फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन हटता जा रहा है फ्लोरीन आता जा रहा है, एक और केस ले लिया पी सी एल टू एफ थ्री, तो हमें फ्लोरीन और क्लोरीन में पहले ये पता लगाना है कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन को कहां लगाएंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट इन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड कौन सी है, एक्सियल, तो इसका मतलब फ्लोरीन कहां लगेगा, हमेशा एक्सियल पे, और क्लोरीन कहां लगाएंगे, इक्विटोरियल पे, तो यहां देखिए एक फ्लोरीन है यहां लगेगा, बाकी क्लोरीन कहीं पे भी लगा दो, फिर दो फ्लोरीन है तो एक ऊपर एक नीचे, सही है, और यहां पर एक ऊपर एक नीचे, अब मजबूरी में एक यहां लगेगा, बाकी क्लोरीन क्लोरीन, इस तरह से लगाने पड़ेंगे, इसके अलावा जो भी स्ट्रक्चर बनाओगे वो क्या हो जाएगी आपके, गलत कहलाएगी फिर, समझ में आया, तो फ्लोरीन एक एक करके आप इक्विटोरियल में लगाओ, इक्विटोरियल खत्म हो जाए फिर मजबूरी में, तो आप सॉरी एक एक करके एक्सियल में लगाओ, जब एक्सियल खत्म हो जाए तो फिर मजबूरी में आप इक्विटोरियल पे लगा दो, पक्का, बाकी जो अलग बनाओगे वो गलत होंगे, तो ये आपने बैंड रूल पढ़ लिया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लिखे इसको, ड्रेगोस रूल, ड्रेगोस रूल भी बहुत अच्छा है, लिख लो पहले क्या है पॉइंट, ड्रेगोस रूल ये कहने, इसने कहा देखिए कुछ कंपाउंड्स हैं एग्जांपल जिनमें बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है, कुछ कंपाउंड है सम कंपाउंड इन सम कंपाउंड्स हैव बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल कितना है, एंगल अप्रोक्सीमेट, यानी मैं पूरी नहीं बात कर रहा था, अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट कितना है आपके पास, अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री, सो दैट इज पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल, ये कब पॉसिबल होगा, व्हेन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, इन बॉन्डिंग, इसका मतलब दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, दिस टाइप्स ऑफ कंपाउंड, दिस टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स डू नॉट शो हाइब्रिडाइजेशन, अगर 90 डिग्री आ रहा है, 120 109 डिग्री 28 मिनट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, दिस टाइप्स ऑफ कंपाउंड डज नॉट शो हाइब्रिडाइजेशन, एग्जाम्पल मैं ले रहा था पीएस थ्री, ये आता है पीएस थ्री और ये एंगल लगभग 92 है, जबकि हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट, 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो आप इसमें हाइब्रिडाइजेशन बोलोगे या नहीं बोलोगे, बैंड रूल नहीं, ड्रेगोस रूल तो कहता है नहीं बोलो, जबकि वेस्पर थ्योरी बोलती है 90 भी तो नहीं है प्योर, तो दोनों इसको अलग अलग तरह से समझाते हैं, जब बात आ रही है ड्रेगोस रूल तो मैं इसको हाइब्रिडाइजेशन नहीं बोलूंगा, लेकिन जब बात आती है वेस्पर थ्योरी तो वो तो कहेगा एग्जैक्ट 90 भी तो नहीं है, तो मैं कुछ तो सही हूं, ठीक है, तो हमारे लिए दोनों सही है, हमसे थ्योरी पढ़ रहा है, हमसे पूछा जाएगा इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन है और ऑप्शन दिखेंगे, उसमें लिखा है sp3 हम sp3 लिख देंगे, उसमें लिखा है हाइब्रिडाइजेशन नॉट डिफाइंड तो हम हाइब्रिडाइजेशन नॉट डिफाइंड को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, आ गई बात समझ में, तो ऐसे और कौन से कंपाउंड है, देखो नाइट्रोजन छोड़ दो क्योंकि उसमें तो बहुत ज्यादा है,
PS3, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, ये सब एक जैसे हैं। इधर H2 को छोड़ दो, ऑक्सीजन, फिर उसके बाद नीचे क्या होगा, ओल्ड स्टाइल से टिपो, तो H2SH2SE ओल्ड स्टाइल से टिपो, ये सारे वो हैं जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से बॉन्ड बना रहे हैं, और हम इनको बोल देते हैं डू नॉट शो हाइब्रिडाइजेशन। बस, और इसी को हम बोलते हैं बैंड्स, सॉरी ड्रेगोस रूल। तो ये इसके अलावा सब शो करते हैं, ठीक है, लिख लो।